वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गले पे यहाँ साइड में जो है डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है और ये अपना जो है मैंने गला जो है रेडी कर लिया है। ये बोटनेक नहीं है बट थोड़ा सा बोटनेक की शेप में है। यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा है, 3.5 इंच पे, मतलब 7 इंच है ये। यहाँ से आप जिस गले पे बनाना चाहें बना सकते हैं। और मैंने ये ब्लैक लेस भी इसमें लगा दी है। यहाँ पे मैं ब्लैक ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये जो हम शर्ट में लगाते हैं कॉलर में, पेपर पेस्टिंग इसमें लगा सकते हैं बट वो मेरे पास अभी है नहीं। या फिर आप बुकरम भी लगा सकते हैं। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी जो है पट्टी ली है और इसकी लंबाई जो है 10.5 इंच है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इस पट्टी पे देखिए, यहाँ नीचे हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट नहीं करना, ऊपर ऊपर से करना है। तो देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा कट हम करेंगे यहाँ से किनारी से लेते हुए। ज़्यादा कट नहीं करना है, ज़रा ज़रा सा इसको काटना है। ये देखिए, और यहाँ से इसको ऐसे अलग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल मैंने जरा जरा सा इसको कट किया है। अब इसको हम एक पट्टी लेंगे कपड़े की, ये देखिए ऐसे, और इसको प्रेस से ऐसे बिल्कुल बैठा लेंगे जैसे हमने कटिंग दी है वैसे ही। ये देखिए, ये मैंने चिपका लिया है। अब ये साइड वाला कपड़ा हम इस पर ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरफ और ये चारों तीनों तरफ का कपड़ा इस पे फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपने कमीज का जो है फ्रंट हिस्सा लेंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको नापेंगे कि ये कितना है। ये मेरे पास 3 इंच है, इसका हम हाफ लेंगे। 3 इंच है तो यहाँ 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और ये बिल्कुल सीधा या तो निशान लगा लें या फिर इसको ऐसे रख के आप सीधा सीधा सिलाई लगा लें। बेटर है कि यहाँ पे आप पहले निशान लगा लें। ये देखिए, ऊपर से ये बिल्कुल मैंने बराबर पट्टी को रख दिया सीधी तरफ और सीधे सीधे से सीधा मैंने मिला दिया। अब यहाँ से हम इस पे सिलाई शुरू करेंगे। बुकरम के जो है इस बुकरम के ऊपर नहीं चलाना है, इसके साथ साथ चलाना हमने। ये ध्यान रखना कि पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। अब इसको बीचों बीच हम जो है बड़े ध्यान से कट कर देंगे। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। कट करने के बाद इसको हम ऐसे अंदर की तरफ पलट लेंगे अच्छे से हाथ से पहले। अब यहाँ किनारी पे हम बिल्कुल इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसको अंदर फोल्ड करते हुए।
सिलाई लगाने के बाद हम एक पट्टी लेंगे। ये देखिए ये पतला कपड़ा है तो मैंने पट्टी डबल कर ली है। अब ये इधर बंद वाला हिस्सा है, इसके धागे भी नहीं निकलेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इसको जो है हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस पे सिलाई शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ तक सिलने के बाद ये नीचे हमने सिल दिया और यहाँ टर्न करके जो है अब इसमें देखिए ये मैंने ब्लैक कलर के जो है पीस लिए हैं छोटे छोटे कपड़े के। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे हम, फिर इसको देखिए ऐसे करके ऐसे इसके ये डिज़ाइन बना लेंगे और यहाँ पे जो है ऐसे लगाते जाएंगे इसको। देखिए इस तरह से हम ऐसे रखते जाएंगे और सिलाई करेंगे इस पर। ऐसे एक एक करके हम बहुत ही सावधानी से इसको बिल्कुल बराबर जितना हम एक पीस ले रहे हैं वैसे ही बराबर से इसको रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये मैं एक बार और अच्छे से बता दी। देखिए ये टुकड़ा मैंने लिया है पीस, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और इसको यहाँ अच्छे से रखते हुए ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको बताया है। और हम नीचे कुर्ती में साइड में भी बाजू में भी ये ब्लैक लेस लगा देंगे और इसके ऊपर देखिए अभी लॉकडाउन है, बटन कहीं मिल नहीं रहे हैं तो मैंने ये पुरानी राखी से ये ओम निकाले हैं छोटे छोटे। देखिए ये देखिए इसमें होल है तो इन्हीं को मैं इसके ऊपर ऐसे सील दूँगी। ये रख के आपको बता रही हूँ, आप छोटे कोई भी इसमें मैचिंग कलर के ये
बटन यहाँ पे या स्टोन यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जो बटन मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही लगाए हैं, और नीचे ये छोटा एक बटन मैंने लगाया है। अगर आप किसी भी कपड़े पे कलर मैचिंग करके आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनेगा। और ये मैंने बताया, जैसे बता था कि राखी से मैंने निकाले हुए थे, मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ, कभी भी यूज में आ जाती हैं। तो मैं एक बात और बता दूँ आपको कि मेरी एप्लीकेशन है जो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो प्ले स्टोर में से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो में दे रही हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।